रुख कर दिया अज्जी मुख खबरां ते। शराब दी चलदी पट्ठी ते वड्डी मात्रा विच लाण ते देसी शराब कीती जब्त। डेरा बाबा नानक इलाके दे पिंड विच आबकारी विभाग ते पंजाब पुलिस वल्लों कीती गई रेड। पंजाब सरकार ने जंगली जानवरों द्वारा फसलों की तबाही ते किसानों लई नवे आदेश जारी किए हन। गुरदासपुर के एक सेवा मुक्त अफसर ने पहली पत्नी की मौत होने तो बाद करवाया से दूसरा विआह। 15 दिन के अंदर अंदर अफसर नु लुट फरार हुई दूसरी पत्नी। पंजाब पुलिस का ASI विजिलेंस विभाग की तरफों 5000 रुपए की रिश्वत लेंद रंगे हथी काबू। लड़ाई के मामले में 20000 रुपए में होया सी सौदा। पहली किश्त लैन आया सी ASI। लुटखोह दीआं घटनावां विच लगातार वाधा हो रहा है। लुटेरिया ने हवाई फायर करके अमृतसर जा रहे पति पत्नी कोलों बुलट मोटरसाइकिल लुट के बटाले वल नूं फरार हो गए। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच से दड़ा सट्टा लगाउण वाले एक व्यक्ति के घर पुलिस ने रेड कर 12 लाख की नकदी मोबाइल अते मर्सिडीज गड्डी कीती काबू। व्यक्ति मौके तो फरार दस्या जा रहा है। सर्वश्रीकाल, मैं हाल विशक लिया ते तुसी देख रहे GBC अपडेट पंजाब दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वल्लों आयुष्मान भव दा ऑनलाइन पद्धर ते उद्घाटन किया गया, जिसकी जिला पद्धरी लॉन्चिंग हुशियारपुर के सिविल हस्पताल की गई, जिस विच सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर तो लैके 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। सेहत अधिकारियों ने दसिया कि इस सेवा पखवाड़ा योजना के तहत नवे आयुष्मान कार्ड, स्वच्छ अभियान, अंगदान ते खूनदान के कैंप लगाए जाएंगे और हर शनिवार सेहत मेले का आयोजन भी किया जाएगा। मैं अज सिविल हॉस्पिटल हुशियारपुर विखे आयुष्मान भवा जिहड़ी कैंपेन है जिन्हां दा लॉन्च नैशनल लैवल ते राष्ट्रीय पद्धर ते कीता गया माननीय राष्ट्रपति जी वल्लों, ते उहदा जिहड़ा जिला लैवल दा जिला पद्धरी जिहड़ा लॉन्च है वह सिविल हॉस्पिटल दे विच अज कीता गया। उत्थे मैं अज हाज़र आया ते इहदे च जिवें कि सारे स्पीकर्स ने दस्या कि कैंपेन दे कि पार्ट्स ने, बट मैं खास तौर पर जो बिल्कुल इस वेले साडे सिर ते है कि सेवा पखवाड़ा जो कि 17 सितंबर तो लैके 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा, तो ये जेडे साडे हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स जेडे CHCs ने उन्होंने वख वख तरह के प्रोग्राम जेडे ने किए जाएंगे, जेडे आयुष्मान भारत के जेडे कार्ड्स ने वो भी वंडे जाएंगे। ये मैं जिन्हें भी नागरिक ने उन्होंने मैं बेनती करना चाहना कि हेल्थ इज़ वैल्थ, जे सेहत है तो सब कुछ है, जे सेहत नहीं तो कुछ नहीं, किसी धन दौलत का कोई फायदा नहीं जे हेल्थ नहीं। तो कृपा करके अपना ध्यान रखते हुए आपां इहदे विच चंगी तरह पार्टिसपेट करिए एंड इहनूं आपां कामयाब बनाईए। तो मेरे नाल सिविल सर्जन साहब भी हैगे ने, इह भी अपने विचार रखणगे। धन्यवाद। पहला तो मैं अज जिहड़े बहुत ही कीमती समा कढ के साडे ADC साहब, साडे DSP साहब, जिला परिषद दे मैंबर ते डॉक्टर साहबान, साडे प्रोग्राम ऑफिसर साहबान जिन्हें भी आया आई डोनेशन दे, उन्हां दा इस साडा अपने सद्दा उन्होंने कबूल करदिआं होइआं अपना कीमती टाइम कढ के साडे विच उन्होंने हाजरी लाई आ। ते अज दा जिहड़ा प्रोग्राम आ ये आयुष्मान भव प्रोग्राम जिहड़ा ओह साडे मानयोग राष्ट्रपति जी ने जो चलाया, तो उस प्रोग्राम दे तहत असी आई डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन, ब्लड डोनेशन, आयुष्मान भारत इम्यूनाइजेशन ते जिन्ने भी होर साडे हेल्थ दे प्रोग्राम आ उन्हां बारे असी अवेयरनैस दित्ती ते लोकां नूं इस सूचित कीता कि जिहड़ियां भी साडे पंजाब सरकार दीआं सेंटर सरकार दीआं जिन्नियां भी स्कीमां चल रहीआं उन्हां बारे असी अवेयरनैस लैणी आ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡੇ DH ਲੈਵਲ ਤੇ, PSC ਲੈਵਲ ਤੇ, CHC ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਮੇਲੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਕੇਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
सो मैं बहुता समा ना लैंदा होया मैं सारयां नूं यही गुजारिश करदा कि आपां जिहड़ियां सेहत स्कीमां दा फायदा लै सकीए ते आपां मनुखता दे हित दे लई जिहड़े सानूं साडे अंग आ उह आपां दान कर सकीए। जिद्दां आई डोनेशन होई, मरण उपरंत जिहड़े इह असीं अपने अंग दान कर सकदे आ, आई डोनेशन होई, किडनी, हार्ट ते होर जिन्ने भी जिहड़े अंग साडे यूज कर सकदे आ सानूं उन्हां अंगां नूं दान करन दे लई असीं अपने आप नूं ते अपने आंढियां गुआंढियां नूं सारयां नूं प्रेरित करना चाहीदा। ते जिद्दां कि हुण पिछले कुछ क दिन पहलां असीं आई डोनेशन दा 15वां मनाया, उहदे विच जिन्ने भी आई डोनेशन दे साडे मैंबरस आ, बड़े प्रोफेसर सुनीत जी, बड़े एक्टिव मैंबर, होर जिन्ने भी मैंबर सारे एक्टिव आ, ते इहदे इन्हां दीआं अपार कोशिशां दे करके इस साल 1000 जिहड़े आ साडे परसनस ने अपनियां आई डोनेट कीतियां, जिन्हां दे नाल जिहड़े जिन्हां नूं दिसदा नहीं उन्हां नूं रोशनी प्रदान होगी ते परमात्मा दी बनाई हुई है जिहड़ी दुनिया उन्हां नूं दिसूगी। ते उह जिन्हें एक कोशिशां करके आई डोनेशन कीती आ उन्हां नूं भी, ते जिन्हां ने आई दित्तियां उन्हां दे लई भी उह सीसां दुआवां देणगे। सो मैं बहुता टाइम ना लैंदा होया मैं जिन्ने भी साडे आए आ इत्थे डिग्निटरीज महान शख्सियतां उन्हां दा फिर दुबारा धन्नवाद करदा कि उन्होंने अपने कीमती टाइम कढ के साडे विच समां दित्ता। थैंक यू वेरी मच। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਖੋਹਾ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਟਾਲਾ ਕਾਦੀਆ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਬੀਸੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਬੁਲਟ ਬਾਈਕ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਆਏ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਡਰਾਇਆ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨਾਲ? ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਬਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਝੁੰਗਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਝੁੰਗਲਾ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਉੱਧਰ ਸਹੁਰੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕੁਛ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ? ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ? ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੁਲਟ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਭੱਜੋ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਟ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ, ਕੋਈ ਪਰਸ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ? ਬਟਾਲੇ। ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬੁਲਟ ਖੋ ਕੇ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਟ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੁਲਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। BB02DV4128। 4128, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਡ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਲਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਸਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਸੇਫ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਛੇੜੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਤਾਂ? ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਲਾਗੇ ਕਾਦੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੁਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच विच दड़ा सट्टा लगाउण वाले एक व्यक्ति दे घर अचनचेत रेड करके पुलिस ने 12,23,000 रुपए भारतीय करंसी 14 मोबाइल फोन लैपटॉप अते एक मर्सिडीज गड्डी काबू की। फिलहाल आरोपी मौके तो फरार होने विच कामयाब हो गया है। पुलिस वालों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जीबीसी अपडेट लिए गुरदासपुर तो अवतार सिंह की रिपोर्ट। मानयोग श्री हरीश त्यामा जी IPS SSP गुरदासपुर साहब जी के दिशा निर्देश अनुसार जी असी माड़े अंसरों के खिलाफ जी हैगी मुहिम चलाई सी। इस तहत ही असी इन भैड़े पुरशों लोगों की तलाश के संबंध में असी शहर घूम रहे थे जदों मुख अफसर थाना सिटी में एक दे सेवक ने आ के इनफॉरमेशन दी कि जिहड़ा मनजीत सिंह मोनी सन वह प्रेम सिंह है ये क्रिकेट के मैचों के दड़ा सट्टा ला के भारी मात्रा च पैसे कमा रहा तो भोले भाले लोगों ना ठगी भी मार रहा। जिस पर SHO साहब ने यह इनफॉरमेशन से मुकदमा दर्ज करके मनजीत सिंह मोनी के घर रेड किया। ये आप पहला इन इनफॉरमेशन मिल गई जो पिंसल लग गई तो उतों फरार हो गया तो ये घरों 12,23,800 रुपया प्लस 14 मोबाइल फोन एक लैपटॉप एक टैब एक मर्सली गड्डी तो 2 रजिस्टर बरामद हुए। ये जी गिरफ्तारी जी होने तो बाद होर भी बहुत खुलासे होंगे क्योंकि ये लंबे समय तो सानू पता लगा भी काम करता आ रहा। बाकी ये बैंक अकाउंट जेडे मोबाइल फोन आ उन्होंने रिपोर्टा लैके फिर अगली असी ये खिलाफ जी है अगला खुलासा करा कि इन्हें होर की किया तो किदा किया। अजय जी सानू इनफॉरमेशन खुफिया मिली जी वे मुताबिक तो कला से पर सानू आस है भी यदि पुछगिछ तो कि होर बंदे भी जेडे ये इन्वॉल्व हो गए क्योंकि ये जोड़ा धंधा है ये एक तो वह बंद रल के किया जाता है। उन्होंने असी रिपोर्ट जी है ना जी लैबोरेटरी तो लेने उन्होंने रिपोर्ट सारी लैके जो डाटा हैगा ज डिलीट किया सारा ट्रेस करके फिर अगली कार्रवाई करते हैं। वो असी सारा जी अपना जो एक साइबर साडा ऑफिस है उतो सारा डिटेल लै रहे भी सिमा कि ना तो इशू ने और ये मोबाइल च किन्ना की चलिया तो यह डाटा की है। यदा पहला जो साबका रिकॉर्ड असी देखिया नहीं पर सानू भी ये फस्ट टाइम ही क्योंकि मेरी पोस्टिंग नहीं इस करके फस्ट टाइम ही इनफॉरमेशन आई है। हाँ वह भी अजय असी जी है वेरीफाई कर रहे क्योंकि चार्जशीट नहीं मिली सानू तो वह असी नंबर तो फिर ट्रेस करा भी ये किस दे नाते है। क्रिकेट मैच भी ये बहुत सारिया ऑप्शन ने हार जित लाते किसी प्लेयर ने किनिया विकटा बनाया ने कि प्लेयर खेडेगा कि नहीं खेडेगा वो सारिया काफ़ी पॉइंट होंगे ये जिद से जरा दड़ा सट्टा लाते जी। मैच का भी असं इतों पुछा भी तू अजे कि मैच से लगया किहड़े मैच ते लगा रहा सी। हाँ इंडिया पाकिस्तान का तो हैगा ही आ आस तो उहदे ते ही आ पर हो सकदा इन्हें किसी होर भी मैच ते लाया होवे और होर कई होर इदां दे कई चीज़ां हैगियां जिदा WWW कुछ होर चीज़ां हैगियां उन्हां ते भी ये जिहड़ी हैगी इदां दी फिक्सिंग करदे आ। दोनों जगह ते ही ये करदा जी साडी इनफॉर्मेशन मुताबिक दोवां जगह ते दुकान ते भी और घर भी करदा जी। असीं ये भी वेरीफाई करांगे जी घर भी किहदे नां ते प्लस ये भी वेरीफाई करांगे भी इहदी फैमिली दा विच किन्ना रोल है कि वह भी इहनूं सपोर्ट करदे आ कि इन्हें कुछ होर रखे अपने बंदे वो असी सारा यदि पुछगिछ तो सानू सामने आएगा फिर असी आप जी नू बुला के उहदा भी खुलासा करांगे। पंजाब पुलिस विच कुछ अजिहे लोग भी हन जो रिश्वतखोरी नहीं छड रहे अते विभाग नू बदनाम करन दे तुले होए हन। अजिहा ही एक मामला पुलिस थाना थार उच्चा थाडा विच देखण नू मिलिया जिथे उत्थे तैनात ASI नू विजिलेंस विभाग पठानकोट वालों 5,000 रुपए की रिश्वत लेंदिया रंगे हत्थी काबू किया गया। विजिलेंस विभाग वालों अगलेरी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। GBC अपडेट लिए पठानकोट तो धर्मिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। नारायणपुर की गलबात हुई गलबात यही हुई है कि मान सिंह ने मेरी जनानी नू मारिया नजायज वो डंगर लैके खड्ड नू जांदी पई सी ते उन्हें नजायज मेरी घर दी नू मारिया ते मैं फिर वह मैडिकल करा के थाने दे विच एप्लीकेशन दी है अपने उच्चा थड़ा डैम ते सानू SHO अपने थानेदार साहब जी कहिंदे है कि मैनू 20,000 रुपया दे ते मैं इत्थे परचा करना अपने रकेश जी ते मैं क्या 20,000 रुपया मेरे को नहीं होना तो 10,000 रुपया मैं तेनू देवांगा ते वो कहिंदा चल मैनू तू 10,000 दे दी 5,000 दी मेरा देन दा मैं क्या 5,000 रुपया तेनू देवांगा
5000 बाद थोड़ी देवगा। हाँ जी बिजनेस में कंप्लेन की असी कि मैं इस गल का इंसाफ चाहिए। हाँ जी हाँ जी किया गया कि वह पुलिस वाला पैसे मंगता है। हाँ जी तो इस करके कि अच्छ पैसे दिए धार चौंक के बच्चे। हाँ जी रंगे हाथों फड़िया है। महिलावां नाल लुट्टा खोहा दीआं वारदातां अक्सर सुनन नूं मिलदीआं होणगीआं, पर गुरदासपुर तों इक हैरानजनक मामला सामने आया है जिथे एक औरत ने पहला जंगलात विभाग तों सेवा मुक्त होए अफसर नाल व्याह करवाया अते 15 दिनां विच ही उस नूं घर दे विच बेहोश करके नकदी अते गहने लै के फरार हो गई। पिछले एक महीने तो यह सेवा मुक्त अधिकारी पुलिस तो इंसाफ लैण लई दर दर दियां ठोकरां खा रहा है, पर अजे तक पुलिस वालों मामला दर्ज नहीं किया गया। ये सतनाम सिंह जी पहली पत्नी की डैथ हो गई सी, इहदे बच्चे बाहर रहिंदे ने ते हुण इहने दूसरी शादी जिहड़ी आ अखबार च इश्तिहार दे के कीती सी राजबीर कौर गरेवाल नाल, ते इहने एलीगेशन अपनी दरखास्त च इह लाया भी मैनू उहने शाम नूं कुछ खोया ते मैं बेहोश हो गया, तो जो मैं देखिया उठ के जो उठाया तो उदों बाद जिहड़ा हैगा पता लगा भी वह अंदरों 2 लाख रुपया तो सोना भी लै गई 6 तोले। ये तो पहला भी जो उन्हें जो नैफ्ट राही जो है 6 लाख रुपया उन्हें अपनी भैन के अकाउंट से जो हौली हौली पाया से वह भी वापस नहीं कर रहे। इस संबंधी साड़ी जी इनकुआरी है थाना तिब्बड़ SHO साहब कर रहे थे, उन्होंने इनकुआरी कंप्लीट कर ली है तो मेरे को रिपोर्ट आ गई है। मैं भी अपनी रिपोर्ट से तस्दीक करके जी मानयोग SSP साहब न भेज के ये फाइनल जी है कार्रवाई मुकम्मल कर देंगे। हाँ एक्चुअली 45 दिन तो सानू वैसे ही है कि असी 45 दिन इनकुआरी कंप्लीट करनी होंगी है, इन्हों थोड़ा जहा पेशेंस रखना चाहिए, इस करके असी जो अपने मिथे हुए टाइम के कंप्लीट करके जो फाइनल कर देंगे। व्यक्ति के कहने मुताबिक कि 8 लाख रुपया कैश लिखा रहे हैं टोटल, तो जोड़ा है 6 तोले सोना लिखा रहे जी। पंजाब सरकार वालों देसी शराब से शिकंजा कसिया जा रहा है जिसके चलते आबकारी विभाग के अधिकारियों वालों आबकारी पुलिस और डेरा बाबा नानक पुलिस वालों ज्वाइंट रेड कर मिली गुप्त सूचना के डेरा बाबा नानक के पिंड हारदोवाल विखे जिथे पिंड दिया शामलाटा शक्की थावां ते घरां विच रेड की गई और वड्डी तादाद विच देसी शराब ते लान दा जखीरा जब्त किया गया। मैं विजय कुमार आबकारी निरीक्षक फतेहगढ़ चिड़ी सर्कल ने वक् वक् पिंडां विच रेड किया उन्होंने दिशा निर्देशों अनुसार। तो पंजाब सरकार ने नशे के रोकने लिए जो रोकथाम लिए जो अभियान शुरू किया उस अंतर्गत सानू श्री राहुल पाड़े जी सहायक कमिश्नर आबकारी जी के दिशा निर्देशों हेठ और आबकारी अफसर श्री इंद्रवीर रंधावा जी के दिशा निर्देशों हेठ फतेहगढ़ चूड़िया के वक् वक् पिंड सर्कल के वक् वक् पिंड रेड करने के दिशा निर्देश जारी हुए थे जी। पिंड हरदोवाल पिंड ठठे पिंड पालोवाली आदि पिंड रेड किया गया। सर को रिकवरी भी हुई है जी? हाँ रेड दौरान 450 के करीब किलो के लिए करीब लान बरामद हुई है तो 20 बोतल देसी शराब भी पाई गई। वो बंदे लिए रेस्ट पाई गई जी? हाँ 2 बंदे रेस्ट किए गए हैं। FIR दर्ज की है तो उन्होंने जी FIR का अगर जो प्रोसैस चल रहा है जी थाने डेरा बाबा नानक। पंजाब सरकार ने पंजाब राज जंगली जीव बोर्ड की मीटिंग जंगली जानवरों द्वारा किसानों दिया फसलों की तबाही लैके कई फैसले ले हैं अते इना विचो एक फैसला जंगली जानवर यानी नील गाय का शिकार ना करन दा भी लिया गया है जिस विच फसलां दे नुकसान करन जंगली जानवर नील गाय दे शिकार संबंधी पिछलिया सरकारा दे नियमां विच बदलाव करके 12 बोर दी बंदूक दी बजाय 315 बोर दी बंदूक नाल शिकार करन दी इजाजत देण दीआं हदायतां जारी कीतीआं गईआं हन। इस दे नाल ही गैर कानूनी शिकार नूं पूरी तरह रोकण लई बंदूक दा लाइसेंस लैण दे नियमां विच वी बदलाव कीता गया है। इहदे विच सरकार वल्लों जिहड़ा जानवरां तों जिहड़ा नुकसान हो रहा फसलां नूं उह खास करके जिहड़े सूर और नील गाय जिहड़े इह नुकसान ज़्यादा करदे आ ते इहनां वास्ते सरकार वल्लों एक परमिट जारी कीता जांदा हंटिंग दा जिमीदार नूं। पहलां जिहड़ा इह परमिट सीगा इह कोई भी ऑथोराइज बंदा लै सकदा सी जिमीदार दे बिहाव ते, लेकिन हुण सरकार ने सोध करके ते इहदे विच कुछ अमेंडमेंट कीतियां भी जिहड़ा परमिट उह जिहड़ा जिमीदार अफेक्टेड आ ਉਹ ਹੀ ਪਰਮਿਟ ਲਊਗਾ ਅਤੇ 315 ਬੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਫਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ
पहला 12 बोर की यूज की जाती है, लेकिन 12 बोर की जी जी हूँ वरतों नहीं की जाती जाऊगी, 315 बोर ना ही शिकार किया जाऊ। 12 बोर ना होर भी कई नुकसान होंगे सी, इस करके सरकार और फैसला किया गया भी 315 बोर ना की जाऊ। दूजी गल ये भी पहला जोड़ा सी इन्हों जरा शिकार करके तो इनू लोग वरतों कर लेंगे सके, हूँ जो सरकार ने कहा भी ये जो मार के जानवर जरा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सौंपया जाना, तो वो अपने जो भी वाइल्डलाइफ प्रोटैक्शन एक्ट तहत जो भी पैरामीटर है हिसाब से उन्होंने उन्होंने दबाने का ज संस्कार करने का जरा वा वो काम करे। तो इतने मैं भी दसना चाहना भी सरकार वालों जो जी हदायत जारी की गई वो प्रोपर अडोप्ट कीतियां जान, ते इहदे विच ऑथराइज अफसर जिहड़ा वाइल्डलाइफ विंग आ साडा वो DFO वाइल्डलाइफ वो परमिट जारी कर सकदा, और STM संबंधित एरिए दा वो भी परमिट जारी कर सकदे आ। चंडीगढ़ विच अगले 2 दिन आसमान विच बदल छाए रहेंगे, इस तो बाद मौसम विभाग ने 15 सितंबर तो 17 सितंबर तक 3 दिन मीह की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग अनुसार गर्ज बिजली और तेज हवावां नाल मीह पै सकता है, इस नाल शहर का तापमान हेठा आएगा। कल शहर का वध तो वध तापमान 35 डिग्री सैलसीयस और घट तो घट तापमान 27 डिग्री सैलसीयस रहा। भगौड़िया खिलाफ चलाई गई मुहिम तहत बठिंडा पुलिस वालों थाना फूल के एक मुकदमे में भगौड़े हुए अपराधियों को काबू करके गिरफ्तार किया गया। पंजाब दी होर खबरां वेखण नूं लगातार जुड़े रहो GBC अपडेट नाल। धन्यवाद।